हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आखिर क्यों रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट माना जाता है। आप देख रहे हैं न्यूज फैक्ट्स इट्स इन हिंदी। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, किंग जोन, ऐसे कई राष्ट्रपतियां अपने पावर प्रदर्शन करने के लिए न्यूज आर्टिकल में रहते हैं, लेकिन कई सालों से जिस राष्ट्रपति को सबसे पावरफुल राष्ट्रपति की तौर से माना जाता है वो है रशिया के व्लादिमीर पुतिन। आप सोच रहे होंगे दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को होना चाहिए था दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, क्योंकि सबसे ताकतवर देश तो अमेरिका है और उसके बाद सेकेंड पोजिशन में आना चाहिए था पुतिन को। लेकिन दोस्तों, किसी कंट्री का पावरफुल होना और उस पावर को इस्तेमाल करने जितना पावर रखना अलग चीज है। 1999 में बिल क्लिंटन के टाइम पे पुतिन पावर पे आए थे और उसके बाद अमेरिका में जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने। लेकिन रशिया में इन 19-20 सालों से सिर्फ पुतिन ही पावर पे है और दिन ब दिन जिस तरह पुतिन की पॉपुलैरिटी अपनी देश में बढ़ रहा है उससे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी पुतिन को ऑपोजिशन वाले हटा पाएंगे। 2012 में रशिया के इलेक्शन में पुतिन को वोट मिला था 64% और अब लास्ट इलेक्शन मतलब 2018 के इलेक्शन में पुतिन को वोट मिला है 77%, मतलब अब वो 2024 तक प्रेसिडेंट रहेंगे। दुनिया में कई लोग, यहाँ तक कई अमेरिकन्स भी मानते हैं कि अमेरिका में लास्ट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के पीछे रशियन हैकर्स का हाथ है। मतलब अगर अपने कॉम्पिटिटर देश के प्रेसिडेंट को ही आप चुने तो इससे बड़ा ताकत का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के फॉरेन पॉलिसीज ले रहे हैं इससे लगता नहीं है कि वो अमेरिका के लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। इस तरह रशिया या फिर पुतिन का और पावर बढ़ने का संभावना है। इंडिया, चाइना और मिडल ईस्ट के कई कंट्रियों के साथ रशिया का रिलेशन अच्छे है, तो इन कंट्रियों का सपोर्ट हमेशा पुतिन को मिलता आ रहा है। और तो और पूरी यूरोप में रशिया ही सिर्फ नेचुरल गैस सप्लाई करता है, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज भी पुतिन का खिलाफ नहीं जाते हैं। 2014 में पुतिन ने यूक्रेन का एक हिस्सा अपने कब्जे में लिया था और 2015 में सीरिया में अपने सेना को पहुंचा दिया था, लेकिन फिर भी कई कंट्री चुप रहे और बोलने वालों में से अमेरिका ही कुछ बोल सकते हैं पुतिन को। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दूध का धुला हुआ तो अमेरिका भी नहीं है, इसीलिए पुतिन का इतना चलता है इंटरनेशनल लेवल पे। अब आते हैं पुतिन के पर्सनालिटी पे। देखिए इन्हें कहां से लगते हैं ये 66 साल के। कभी इन्हें देखा जाता है स्विमिंग करते हुए, कभी देखा जाता है मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग लेते हुए, कभी देखा जाता है कई स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हुए, और तो और उन्हें गाना गाते और पियानो बजाते हुए भी देखा जाता है। यहाँ तक कि कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है पुतिन, क्योंकि पुतिन रशिया के स्पाई एजेंसी KGB में मेंबर रह चुके हैं, इसीलिए उनका ट्रेनिंग एक सोल्जर की तरह हुआ है। आप देखे होंगे जब भी पुतिन वॉक करता है तब उसका एक हाथ हमेशा स्थिर रहता है। आप देखे होंगे उसका बायां हाथ हिलता है लेकिन दायां हाथ हमेशा कमर के पास स्थिर रहता है। वो इसलिए क्योंकि कभी भी अगर जरूरत पड़ सके तो वो अपने कमर में से बंदूक को निकाल सके, ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है KGB के मेंबर्स को। और अगर एडुकेशन की बात किया जाए तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी उनकी डिग्री है। मुझे पता नहीं है कि दुनिया की कितने प्रेसिडेंट के पास इतनी सारी क्वालिटीज होंगे, शायद इसलिए ही रशिया में इतने पॉपुलर है पुतिन। अब अगर पुतिन की संपत्ति की बात किया जाए तो व्लादिमीर पुतिन अनऑफिशियली दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। उनके पास 20 पैलेस, 15 हेलीकॉप्टर, 43 प्लेन्स और 4 यार्ड्स है, और भी कई एसेट्स है उनके पास। हालांकि पुतिन हमेशा ही इन चीजों से इनकार करता आ रहा है, उनका कहना है कि इनमें से कुछ भी नहीं है उनके पास। खैर, अब कोई दूसरी कंट्री तो रशिया में जाके इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकता, इसलिए वो जो कहते हैं उसे ही मान लिया जाता है। अब देखिए, मैं पुतिन को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पुतिन कोई महान इंसान है। जो फैक्ट्स है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। अब अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है तो है, चाइना ट्रेड में नंबर वन है, वैसे ही एक इंसान के हाथ में सबसे ज्यादा पावर और उस पावर को इस्तेमाल करने की काबिलियत की तौर से
पुतिन सबसे आगे है। और भी कई रीजन है जिसके लिए पुतिन को इतना ताकतवर माना जाता है, वो किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो का आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।